हमीरपुर में कांग्रेस के आह्वान पर भारत बंद पूरी तरह फ्लॉप रहा। दुकानदारों ने रोजमर्रा की तरह अपनी दुकानें खुली रखी और भारत बंद का असर हमीरपुर में नहीं देखने को मिला। वहीं कांग्रेस द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन को भाजपा जिला मीडिया प्रभारी अंकुश दत्त शर्मा ने फ्लॉप करार दिया और कहा कि कांग्रेसी अपने लोगों को ही इकट्ठा नहीं कर पाए। अंकुश शर्मा ने कांग्रेस के धरना प्रदर्शन को केवल मात्र सुर्खियों में छाने के लिए स्टंट बताया। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी अंकुश दत्त शर्मा ने बताया कि आज कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई है और सुर्खियों में आने के लिए इस तरह के धरने प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में जब पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई थी, उस समय तत्कालीन पीएम ने कहा था कि पैसा पेड़ों पर नहीं उगता है, इसलिए पेट्रोल डीजल के दामों को कम नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केंद्र सरकार के द्वारा करवाई गई अथाह विकास को देखकर बौखलाहट में है। कांग्रेस को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, इसी के चलते कांग्रेस छोटे छोटे मुद्दों को लेकर सड़क पर उतर रही है। हमीरपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन पूरी तरह फ्लॉप रहा है। कांग्रेस ने जहां हमीरपुर में बंद का आह्वान किया था, वो भी पूरी तरह फ्लॉप रहा है। हमीरपुर पूरे जिले में जहां जहां पे दुकानें होती हैं, बाजार होते हैं, वो पूरे के पूरे खुले रहे। आम जन, यहां तक कि समाज से जुड़ा हर व्यक्ति रोजाना की तरह अपना जीवन गतिविधि आज उन्होंने जारी रखी। कहीं पे भी इस बंद का असर दिखाई नहीं दिया गया। और जहां तक कांग्रेस की प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, वो भी पूरी तरह फ्लॉप है। मुट्ठी भर कांग्रेस इकट्ठे हुए और फॉर्मेलिटी के लिए उन्होंने नारेबाजी की और घरों को चले गए। और जहां तक उनका ये जो मुद्दा है, मुद्दा विहीन कांग्रेस इस वक्त हो गई है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई के मुद्दे को लेकर वो सड़कों पे उतर रहे हैं, पर वह भी केवल एक सुर्खियों में छाने का स्टंट है। इस मुद्दा विहीन कांग्रेस के पास मुद्दा इसलिए भी नहीं है क्योंकि विगत चार वर्षों में देश में एनडीए के शासन में विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसके ऊपर वे सत्ता पक्ष को घेर सके। जबकि पिछले यूपी के 10 वर्षों में आए दिन रोजाना कोई ना कोई घोटाला होता था जिसके ऊपर ये कटघरे में खड़े किए जाते रहे थे, पर इस बार की मोदी सरकार में ऐसा कोई मुद्दा इनको मिला नहीं है। तो मुद्दा विहीन होकर कांग्रेस अब छोटे मोटे इश्यू को लेके दुनिया लोगों की नज़रों में धूल झोंकने का काम कर रही है और मुद्दा विहीन कांग्रेस सड़कों पर उतरी है। देखिए, पेट्रोल और डीजल के दाम आजकल कुछ समय से थोड़े ज़्यादा ज़रूर हुए हैं, पर उसमें पेट्रोल के दाम किस चीज़ पर निर्भर करते हैं? क्रूड ऑयल की कीमतों पर निर्भर करते हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जो कच्चा तेल है उसकी कीमतें बढ़ती हैं, तो उसी हिसाब से देश में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती रहती हैं। ये पहला ऐसा वाक्य नहीं है कि देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। 2013 में भी 82 रुपये के हिसाब से पेट्रोल उपलब्ध होता था, परंतु कांग्रेसी आज हल्ला कर रहे हैं। यही कांग्रेसी उस वक्त बोलते थे कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता। प्रधानमंत्री उस वक्त मनमोहन सिंह थे, उनके ये वाक्य था कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता है, पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जबकि आज पूरा जो पेट्रोल और डीजल है वो उसी हिसाब से नहीं बढ़ा, इन चार वर्षों में काफ़ी कंट्रोल में कीमतें रही हैं। जो आज के वक्त में जो कीमतें बढ़ी हुई हैं, हमें पूरी आशा है कि केंद्र सरकार इसके ऊपर कोई ना कोई कदम उठाएगी और आम जनमानस को इन बढ़ी हुई कीमतों से राहत दिलवाएगी। एक बात इसमें मैं और जोड़ना चाहता हूँ, यूपीए सरकार के जो 10 वर्ष थे उन्होंने कर्जा ले लेकर अरबों खरबों रुपए के कर्ज के नीचे हर भारतवासी को डुबाया था। और ये कर्जा लिया था केवल सऊदी देशों से पेट्रोल और डीजल खरीदने के लिए, जबकि एनडीए की गवर्नमेंट जब 4 सालों से सत्ता में आई है तो उन्होंने ना केवल पेट्रोल डीजल में कभी कोई कमी नहीं आने दी, ना इनकी कीमतें बढ़ने दी, बल्कि पूर्व में जो यूपी सरकार में कर्जा पेट्रोल डीजल के नाम पे इस देश पे पड़ा था उसको भी मोदी सरकार ने कम किया है। मोदी सरकार साथ साथ में उस कर्जे को भी खत्म कर रही है। ये भी एक छोटा सा पहलू है कि कीमतों में थोड़ा सा अंतर आया है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि केंद्र सरकार जल्दी इन कीमतों में कमी लाकर राहत प्रदान करेगी।